के वो टोटल सीसर है वो 54.18 करोड़ है, कैश में सीसर है 4.5 करोड़ है। वो 4.5 करोड़ में कितना 10 लाख का इंटरसेप्टन है वो उसका सबको हम लोग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमीशन का डायरेक्शन सर दे दिया उसको। वो इनकम का टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका नियमानुकूल काम कर रहा है उसी में, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट आ रही है, उसमें भी कुछ रिपोर्ट है ईडी के साथ में भी वो शेयर करके वो उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन काम करा रहा है। सर, सर पहले चरण में झारखंड में जो 4 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें चाहे सारंडा की बात की जाए या अत्यधिक नक्सल प्रभावित इलाके, कितनी बड़ी चुनौती होगी सर? देखिए फोर्थ फेस है झारखंड का, फर्स्ट फेस है इसी तरफ का जिला का लिया गया, वहाँ पर हम लोग का इलेक्शन करने में कुछ इशू हो सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन है, पहले नक्सल एरिया है, अभी वर्तमान में भी कुछ इश्यूज है वहाँ पर, इसलिए उसी जिला का फर्स्ट लिया हुआ। उसमें वो इलेक्शन का पीसफुल करवाने के लिए कितना भी व्यवस्था करवाना वो सब कुछ व्यवस्था कर दिया गया उसी को, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करके उसी का इम्प्लीमेंटेशन काम चल रही है उसी को, अभी पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्स में मिल जा रही है हम लोगों का, इसलिए वो चुनाव करवाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाएगी। वो संख्या हम लोग शेयर नहीं करता है उसी को, कितना फोर्स कैसा डिप्लॉय किया जा रहा है उसका, इवन कमीशन का डायरेक्शन भी है उसका, हम लोग सिक्योरिटी कारण से उसका उसको मैनेज करते हुए हम लोग कर रहे हैं। वो नॉमिनेशन अभी आपका वो 4 पार्लियामेंट्री काउंसिल में शुरू हो गया, आज नोटिफिकेशन हो गया, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 25 अप्रैल है, मतलब आज से शुरू होकर 25 अप्रैल तक अपने नॉमिनेशन वो 4 पार्लियामेंट्री काउंसिल में करा सकते हैं, वो सिंहभूम, कुटी, लोगरदगा, पलम। अभी क्या कोई नॉमिनेशन कर पाए? आज का डेट में कोई नॉमिनेशन अभी तक 4 पार्लियामेंट्री काउंसिल में फाइल नहीं हुई, कल का रिपोर्ट कल हम लोग शाम को शेयर करेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।